दोस्तों वीवो ने लॉन्च कर दिया है वीवो का नया एस सीरीज स्मार्टफोन इंडिया में। वीवो S1 स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च हो गया है कल, और ये आज इसका सेल स्टार्ट होने का है। 12 o'clock से इसका सेल स्टार्ट हो जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों में आप लोगों दोनों तरफ देखने को मिलेगा ये फ़ोन। और ये फ़ोन का जो प्राइस रखा हुआ है दोस्तों, इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस रखा गया है 17,990 रुपीज़। और जो सेकेंड वेरियंट है 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज है, इसका प्राइस रखा गया है 18,990 रुपीज़। और जो हायर वेरियंट है 16 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज, इसका प्राइस रखा गया है 19,990 रुपीज़। तो इसका प्राइस जो है मुझे लगता है थोड़ा सा ज़्यादा है इसका प्राइस। इसका जो स्पेसिफिकेशन डिटेल्स है, स्पेसिफिकेशन का डिटेल्स देखते हुए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा है, तो मुझे यह पर्सनली लगता है। तो चलिए दोस्तों पहले इसका कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स का तरफ नज़र डाल देते हैं और देख लेते हैं इसमें क्या क्या दिया गया है। वीवो S1 फ़ोन का डिस्प्ले का बात करें तो इसमें डिस्प्ले दिया गया है 6.38 इंचेस का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। इसमें एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, और इस डिस्प्ले में वाटर ड्रॉप नॉच भी दिया गया है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। इसका कैमरा का बात करें तो इसमें आप लोगों को ट्रिपल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। एक दिया गया है 16 MP का F1.8 अपर्चर का, साथ में प्राइमरी कैमरा दिया गया है। सेकेंडरी कैमरा दिया गया 8 MP का F2.2 अपर्चर का, साथ में अल्ट्रा वाइड कैमरा दिया गया। और जो थर्ड कैमरा दिया है 2 MP का F2.4 अपर्चर का, साथ में डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया। इसमें LED फ्लैश भी मिल जाता है, और इसमें आप लोग 4K वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं मिलता है, इसमें फुल HD वीडियो आप लोग रिकॉर्ड कर सकते हो। सेल्फी कैमरा का बात करें तो इसमें सेल्फी कैमरा काफ़ी अच्छा दिया गया है, 32 MP का F2.0 अपर्चर का, साथ में आप लोगों को 32 MP का सिंगल रियर कैमरा देखने को मिल जाएगा। इसमें LED फ्लैश नहीं मिलेगा। और इसका परफॉर्मेंस का बात करें तो इसमें परफॉर्मेंस भी अच्छा खासा दिया गया है। मीडियाटेक का हाल ही में लॉन्च हुआ है हीलियो P65 ऑक्टाकोर प्रोसेसर, इसमें दिया गया है हीलियो P65 ऑक्टाकोर प्रोसेसर। ये 12 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, और ये एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है। इसका क्लॉक स्पीड दिया गया 2.0 GHz क्लॉक स्पीड पर चलता है, और ये भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन ये इतना भी पावरफुल नहीं है। जो प्राइस का हिसाब से थोड़ा प्राइस ज़्यादा हो गया है, इस परफॉर्मेंस का हिसाब से, इस प्रोसेसर का हिसाब से। और इसमें एंड्रॉयड पाई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा, और इसमें यूज़र इंटरफेस का बात करें तो फोर्टास 9 देखने को मिलेगा आप लोगों को इस फ़ोन में। और इसका वेरिएंट का बात करें तो वेरिएंट आप लोगों को 3 वेरिएंट में देखने को मिलेगा। एक देखने को मिलेगा 4 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज, और एक देखने को मिलेगा 6 GB रैम 64 GB इंटरनल स्टोरेज, और एक देखने को मिलेगा 6 GB रैम 128 GB इंटरनल स्टोरेज। तो ये 3 वेरिएंट में, अलग अलग वेरिएंट में दिया गया है। और इसमें डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट भी दिया गया है, 256 GB तक डेडिकेटेड HD कार्ड स्लॉट भी आप लोग इसमें लगा सकते हो। और इसका बैटरी का बात करें तो बैटरी भी काफ़ी अच्छा दिया गया है, 4500 mAh का बैटरी दिया गया है। इसका फास्ट चार्जिंग सपोर्ट का बात करें तो इसमें आप लोग 18 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिल जाएगा, 18 वाट तक आप लोग चार्जिंग दे सकते हो। और इसमें USB पोर्ट का बात करें तो इसमें आप लोगों को USB टाइप सी नहीं मिलता है, माइक्रो USB केबल दिया गया, आप लोगों को माइक्रो USB केबल इसमें मिल जाता है, इसमें टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है, माइक्रो USB पोर्ट मिलता है। और इसमें 3.5 mm ऑडियो जैक भी मिल जाता है, ब्लूटूथ वर्जन 5.0 मिल जाता है। और इसका फिंगरप्रिंट सेंसर का बात करें तो यह तो पहले ही बता दिया आप लोगों को, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। और इसमें आप लोगों को बैक साइड में ग्लासिक डिज़ाइन मिल जाता है, देखने में आप लोगों काफ़ी अच्छा लगेगा, और काफ़ी अच्छा डिज़ाइन दिया गया, डायमंड डिज़ाइन दिया गया, डिज़ाइन में कोई कमी नहीं है। तो दोस्तों ये था कुछ डिटेल्स वीवो S1 फ़ोन का। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है इस फ़ोन का डिटेल्स देखते हुए इसका प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है, इस स्पेसिफिकेशन का हिसाब से क्या ये फ़ोन ठीक ठाक है इस प्राइस में, या फिर ज़्यादा है, या फिर नॉर्मल है? आप लोग कमेंट करके नीचे ज़रूर बताना। और आप लोग क्या ये फ़ोन परचेस कर रहे हो या नहीं, ये भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप लोग को एक बात बता दूं, अगर आप लोग ये फ़ोन लेना चाह रहे हो तो दोस्तों इससे बेहतर फ़ोन आप लोग को इससे कम प्राइस में मिल सकता है, इससे बेहतर फ़ोन मार्केट में अवेलेबल है। आप लोग खुद एक बार कंपेयर करके देख लेना, दूसरा जो इस प्राइस रेंज में आ रहा है, काफ़ी अच्छा अच्छा फ़ोन आ रहा है, उस प्राइस से आप लोग कंपेरिजन करके देख लेना, उससे बेहतर फ़ोन आप लोग को मिल जाएगा। मैं किसी फ़ोन का यहाँ पर नाम नहीं ले रहा हूँ, किसी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, बाद में आप लोग बोलोगे मैं उससे पैसे का लिया। तो आप लोग
खुद कंपेयर करके परचेस कर सकते हो। कुछ कंपेयर देखा अगर आप लोग ये फ़ोन भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो। ये फ़ोन मैं नहीं बोल रहा हूँ ये फ़ोन खराब है बोल के, ये फ़ोन भी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बढ़िया फ़ोन है, लेकिन इसका जो प्राइस है थोड़ा सा ज़्यादा है। तो आप लोगों का मर्ज़ी, आप लोग जो लेना चाहो आप लोग ले सकते हो। और आप लोगों को कैसे लगा ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना, और हो सके तो अपना ही टेक्निकल अमीरुद्दीन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइड में जो बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोग मिलते रहेगा। और दोस्तों इंस्टाग्राम ट्विटर फेसबुक पर भी फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं पोस्ट डालते रहता हूँ, आप लोगों को सबसे पहले मिलते रहेगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहाँ पे खत्म करता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।